नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो 15 फरवरी का दिन है और लगभग लगभग 7:45 का टाइम हो रहा है और हम गुड़गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछे दिल्ली छोड़ दिया हमने, काफ़ी समय लग गया हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वीडियो बनाने में। और उसका जो कारण था वो ये था कि कहीं से भी कन्फर्म नहीं हो पा रहा था कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है कि नहीं। तो कुछ वीडियोस बहुत काफ़ी अधूरी रही। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबने ये तो कवर किया कि 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया है, मगर किसी ने भी ये कंफर्म नहीं किया कि ये आम जनता के लिए या आम ट्रैफिक के लिए स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। इवन NHAI के टोल फ्री नंबर को भी ये नहीं पता था कि ये अभी शुरू हुआ है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं हुआ है। मतलब उन्होंने भी मना कर दिया हमें, NHAI वालों ने कि अभी कोई सूचना नहीं है इसे शुरू करने की। निकल गए फिलहाल जयपुर के लिए, 290 किलोमीटर दूरी है यहाँ से और पीछे दिल्ली से थी 300 किलोमीटर आपका धौला कुआं से। अब ये लिंक कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से रास्तों से हम इस पे जुड़ सकते हैं वो भी आज आपको बताऊंगा। पेट्रोल पंप अभी इस पे एक्टिव हुए हैं या नहीं हुए हैं और होटल्स वगैरह एक्टिव हुए हैं या नहीं हुए हैं वो भी आप लोगों को बताऊँगा। फिलहाल तो हमें सोहना रोड की तरफ जाना पड़ेगा और वहीं से ये स्टार्ट होता है। तो धौला कुआं से लेकर दोस्तों पूरे गुड़गांव में आपको 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड मिलेगी और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में की तो आपको पता ही है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। तो ये देश का सबसे अच्छा तो पहला ही हाईवे होगा, जैसे कि बताया जा रहा है कि सबसे बेटर हाईवे है, मगर 120 किलोमीटर प्रति घंटा का ये दूसरा है, तीसरा हाईवे है। पहला है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे वाला जिस पे 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, फिर है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और तीसरे नंबर पे फिलहाल ये है मेरी जानकारी में। धौला कुआं से सोहना का जो कट है उसका भी किलोमीटर बताऊंगा कितने किलोमीटर बाद आता है वो। तो हालत फिलहाल ये है कि अगर हम वाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जाते हैं जयपुर तो हमें पड़ेगा अभी इस पॉइंट से 274 किलोमीटर जयपुर। अगर हम स्ट्रेट जाते हैं तो हमें पड़ेगा लगभग लगभग 217 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है दूरी, तो हमें लंबा पड़ेगा। मगर आप ट्रैफिक की हालत देखो, आपने मेरा एक ब्लॉग देखा होगा दिल्ली से खाटू श्याम जी का, उसमें आपने देखा होगा कितना खतरनाक ट्रैफिक चलता है इस रोड पे। तो बोर्ड आ गया है मुंबई द्रुतगति राजमार्ग, मुंबई एक्सप्रेस वे, और देखिए लेफ्ट कट होने के लिए बहुत छोटा पॉइंट दे रखा है जिस वजह से काफ़ी स्लो हो गया ट्रैफिक यहाँ पे। तो यहाँ से हम लेफ्ट हो गए, फिलहाल 22 किलोमीटर बाद पड़ा है दोस्तों ये धौला कुआं से सोना का कट। तो ये वो कट है दोस्तों, अगर आप गुड़गांव साइड से अलवर जाएंगे तो आप सोना होके ही जाएंगे, तो मैं पहले भी इससे जा चुका हूँ, अच्छा हाईवे बना हुआ अलवर तक ये। यहाँ से हो गए हम लेफ्ट, सोना के लिए हम आगे बढ़ गए हैं। 272 किलोमीटर दूरी दिखा रहा है, सीधे चले आते तो लगभग 220 के आसपास दूरी पड़ती, मगर वहाँ से लगते हैं हमें 4-5 घंटे और हम मुड़ गए यहाँ से। अब एक्सप्रेसवे से लिंक करते हैं, आगे आपको दिखाते हैं। फिलहाल 16 किलोमीटर बाद दिखा रहा है ये लिंक मुंबई एक्सप्रेसवे का। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है सोना रोड पे, मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, तो आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे इस पर गाड़ी चला सकते हैं बड़े आराम से। तो जैसा कि मैंने बताया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लिंक करने के लिए अभी मेरे ख्याल से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस से भी एक लिंक दिया जाएगा उस पर, जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है फिलहाल। तो जितने कट उससे लिंक करेंगे आज वो भी दिखाऊंगा आपको। आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपको कोई ये जानकारी नहीं देगा, मेहंदीपुर बालाजी जाके उतरेगा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कट। जयपुर के बाद डौसा जो पड़ती है जगह डौसा, वो आपकी मेहंदीपुर बालाजी के पास जाके उतरेगा ये। तो अगर किसी को मेहंदीपुर बालाजी जाना हो तो वो यहाँ से भी जा सकते हैं।
जिस कट से हम सोना के लिए लेफ्ट हुए थे दोस्तों, वहाँ से ठीक 12 किलोमीटर बाद ये टोल टैक्स आ गया है और इसमें लगेगा आपका टोल। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, बहुत शानदार बना हुआ है, बहुत ज़्यादा शानदार। मैंने खुद 105 102 तक गाड़ी चला के देखी। तो टोल टैक्स आ गया है और मात्र 3.7 किलोमीटर रह गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का गेट। तो कितना टोल कटा है यहाँ पे वो मैं आपको जब मेरे पे मैसेज आ रहेगा तभी बता पाऊंगा। तो गुड़गांव से लेफ्ट वाले के ठीक 16 किलोमीटर बाद ये कट आया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। और दोस्तों अब हम चढ़ जाएंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे और देखिए एंट्री पॉइंट आ गया है। ये है दोस्तों यहाँ से स्टार्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये देखिए फाइनली यहाँ से हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए। तो 4 लेन का है फिलहाल, तो ये दिख तो रहा सीधा है। तो फाइनली दोस्तों अब हम चल रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे और सामने बिल्कुल सूरज बाबा है हमारे। तो सूरज बिल्कुल सामने है जिस वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही होगी देखने में। तो 2 मिनट गाड़ी रोकते हैं और आपको दिखाते हैं एंट्री वगैरह। दोस्तों ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और हम इस पर चढ़ चुके हैं। 7:25 का टाइम हो रहा है फिलहाल और सामने बिल्कुल सूरज है तो इसलिए पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं आ रही। 4 लेन मेरा 5 लेन तो मुझे पूरी दिख रही है अभी और बहुत फास्ट जा रही है गाड़ियाँ इसमें से। तो इस तरीके का नज़ारा है कुछ यहाँ से। तो चलते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि इस पर हम कितने किलोमीटर चलेंगे और कितना समय हमें लगेगा। तो जो प्रॉब्लम जो फेस हो रही है फिलहाल ये हो रही है कि सूरज देवता बिल्कुल सामने है। तो टाइम बताता हूँ पहले आपको मैं, 7:26 हो गए हैं और अब पूरा किलोमीटर मैं आपको बताऊँगा इसे हमें क्लियर करने में कितना टाइम लगा। बाकी भाई बना हुआ तो बहुत शानदार है। एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा जो आपको कोई नहीं बताएगा, इसमें 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है मगर आपके गाड़ी के टायर ओके होने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो 1224 किलोमीटर दोस्तों मुंबई यहाँ से फिरोजपुर 68, तो आपकी गाड़ी के टायर भी ओके होने चाहिए तभी आप इस पर 120 किलोमीटर की स्पीड से भगाएं गाड़ी। जैसा कि कहा गया है कि जिस लेन में हम चल रहे हैं दोस्तों ये लेन है आपकी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की और उसके लेफ्ट वाली जो है वो है आपकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की और राइट साइड की जो लेन है बिल्कुल कोने की वो है ओवरटेकिंग लेन। तो फिलहाल हम भी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे चल रहे हैं, 115 किलोमीटर की। जैसा कि कहा गया है कि हर 2-3 किलोमीटर पर कैमरा आएगा और 120 से ऊपर अगर स्पीड होगी तो वो कैमरा आपको चालान भेज देगा घर पे। अभी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का कट नहीं आया है और 120 की स्पीड है आप देख सकते हैं, तो वो कट नहीं आया है। मैं बताऊंगा अभी लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है वो इससे। जो मेरे भाई हरिद्वार साइड से आएंगे या जो मेरा पानीपत वगैरह साइड से आएंगे वो सीधे EPF पर चढ़ के इस पर चल सकते हैं। तो बेशक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है इस पे मगर मैं नहीं चला पा रहा हूँ 120 पे, थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे। 110-115 ही चल रहे हैं क्योंकि हमें आदत नहीं है 120 पे चलने की। 115 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे भी गाड़ी बिल्कुल स्टेबल है आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं हमारी हर वीडियो के टाइटल पे हम घंटे जो लिखते हैं वो हम ये लिखते हैं कि हमारा रनिंग टाइम जिसमें हम अपने ब्रेक वगैरह सब हटा देते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी उसी को फॉलो किया है, 12 घंटे में बॉम्बे दिखाया है, 2227 किलोमीटर पीछे बोर्ड आया था शायद, है ना, 1224 किलोमीटर पीछे बोर्ड आया था तो वो 12 घंटे में ही उन्होंने दिखाया है। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये चीज़ फॉलो करी है कि अगर हम बगैर रुके गाड़ी चलाते हैं तो हम 12 घंटे में मुंबई पहुँचेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इतने ज़्यादा किलोमीटर के डिस्टेंस पर आप लगातार 1200 किलोमीटर पे 120 की स्पीड पर गाड़ी नहीं चला सकते, आपको रुकना तो पड़ेगा। आप ब्रेक भी लेंगे, डीजल भी लेंगे, पेट्रोल भी लेंगे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने वही चीज़ फॉलो करी है जो हम अपनी वीडियो में दिखाते हैं। हम अपनी हर वीडियो में रनिंग टाइम दिखाते हैं आपको कि हमारा रनिंग टाइम ये है। तो टोल प्लाजा आ गया। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे टोल शुरू नहीं हुआ है और अगर हो गया होगा तो पता नहीं।
तो जैसा कि ये भी बताया गया है कि जैसे हम यहाँ स्टॉल से एंटर कर जाएंगे और जहाँ से भी हम एग्जिट होंगे वहाँ तक का हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा, जैसा कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी है, जब मेरठ साइड से आते हैं हम जहाँ से भी आउट होते हैं वहीं तक का टोल कटता है। तो आगे पलवल का कटारा है 2 किलोमीटर बाद, यानी ईस्टर्न फेरीबेरल एक्सप्रेस पे कहीं ना कहीं आने वाला है, ये कुंडली के लिए भी लिखा आगे। तो अब यहाँ से पता चलेगा ये कुंडली वाले और आपका पलवल वाले ईपीई से लिंक हुआ है कि नहीं हुआ है, और अभी तो मुझे लग नहीं रहा लिंक हुआ है। तो पहला जो डीजल का और आपका पेट्रोल का जो कट आया है वो पहला अब यहाँ पर आया है। तो दोस्तों ये है वो लिंक करने के लिए दिखा रखा है इन्होंने कि ये ईपीएफ से लिंक होगा, ईपीई से, ईस्टर्न फेरीबेरल एक्सप्रेस वे से, मगर अभी इस पर काम चल रहा है आगे, तो अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है लिंक मेरे ख्याल से। तो फिलहाल हम जहाँ से गुजर रहे हैं उसके नीचे जा रहा है ईस्टर्न फेरीबेरल एक्सप्रेस वे या वेस्टर्न फेरीबेरल एक्सप्रेस वे। तो 1204 किलोमीटर दूरी रह गई बम्बई की यहाँ से, जिसे हम तय कर लेंगे 12 घंटे में। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि मई तक ये बड़ोदरा तक चालू हो जाएगा, तो लगभग 900 या 1000 किलोमीटर के आसपास दूरी है बड़ोदरा की, तो वहाँ तक ये मई में शुरू करने की तैयारी हो रही है फिलहाल। और बॉम्बे ये इस साल के लास्ट तक उम्मीद है चलने की। जब आपका हाईवे स्टेबल होता है ना तो 120 की स्पीड में भी आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी आपकी 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रही है। तो अलवर 98, मुंबई 1196 और फिरोजपुर जिरका 43 किलोमीटर है यहाँ से, और आगे आ रहा है 5 किलोमीटर बाद रेस्ट एंड सर्विस एरिया, जहाँ पर आपको डीजल पेट्रोल भी मिलेगा, अस्पताल की सुविधा भी है और होटल भी मिलेगा, यानी आपको इससे उतरना पड़ेगा। अगर आप इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर भी चलते हैं तब भी अपना बहुत समय बचाएंगे, जैसा कि कहा भी गया है कि आने वाले टाइम में बहुत डीजल पेट्रोल बचेगा हम लोगों का अगर हम बॉम्बे जाएंगे। अभी जो नॉर्मली बॉम्बे तक पहुंचने में टाइम लगता है दोस्तों, वो लग जाता है 24 से 28 घंटे अपनी गाड़ी से, वो भी आप ठीक ठाक गाड़ी चलाएँ तो। ऐसे हाईवे पे ना आप गाड़ी चलाओगे ना जब तो थोड़ा बोर भी हो जाओगे, लगातार एक स्पीड पे गाड़ी चलाते रहो थोड़ा सा बोर भी हो जाते हैं, नींद भी आ जाती है कई बार। तो क्योंकि हम बिल्कुल धूप के सामने गाड़ी चला रहे हैं तो थोड़ा सा क्वालिटी आज ऐसा लगेगा आपको कि थोड़ी सी फीकी फीकी सी आ रही है, क्योंकि कैमरा बिल्कुल धूप के सामने है। और फिलहाल जो गाड़ी की स्पीड है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है पूरी। मेरे कई भाई मुझसे कह रहे थे कि आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का भी बनाओ वीडियो, तो इसलिए ही नहीं बनाया था क्योंकि स्टार्ट नहीं हुआ था। अब ये स्टार्ट हो गया था, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मेरे से अभी आगे जो गाड़ियां गई हैं वो 150 की स्पीड से फॉर्चुनर गई हैं, XUV 700 गई है 130-140 की स्पीड से, मगर हमने अभी तक एक बार भी 120 से ऊपर गाड़ी नहीं चलाई है। तो बिल्कुल नियम कानून के हिसाब से ही आपको बताऊंगा कि कितना समय लगेगा इस पर। हाँ ये ज़रूर है कि मैं दिल्ली से लगातार नॉन स्टॉप चल रहा हूँ, तो बाइक इस पे अलाउ नहीं होगी, लिखा हुआ आ गया है ट्रैक्टर बाइक ये सब चीज़ें इस पे अलाउ नहीं होंगी। तो 60 किलोमीटर के आसपास हमने दूरी अब इसमें निकाल दी है और हम 7:26 पे इस पे एंटर हुए थे, 31 मिनट में हमने 60 किलोमीटर निकाल दी है इसमें और 120 पे ही चल रहे हैं फिलहाल हम। और सबसे अच्छी बात है कि ये तारकोल की रोड है तो थोड़ा सा डर कम है टायर का प्रेशर गर्म होने का, और यही सीमेंटेड रोड होती तो थोड़ा डर रहता। एग्जिट पॉइंट आया है, कहाँ कहाँ है ये कोई बोर्ड नहीं आया है, शायद ये रेस्ट रूम है। हाँ तो दोस्तों ये 62 किलोमीटर बाद ये लेफ्ट में
रेस्ट रूम वगैरह आया है और शायद यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह की भी फैसिलिटी है। और देखिए ये रहा लेफ्ट में पेट्रोल पंप, तो ठीक 60 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप आया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे लिंक होने के बाद। जैसा कि कहा गया था कि हर एक से दो किलोमीटर पे आपको कैमरा मिलेगा, तो वाकई में हर एक दो किलोमीटर बाद कैमरा आ रहा लगातार। जो कहा गया था कि अगर ओवर स्पीड हुई गाड़ी तो आपके घर चलान पहुंच जाएगा, वो बात सच है। अभी पीछे कैमरा गया है और देखिए फिर आ गया कैमरा ये राइट साइड में, और यहाँ से ठीक एक किलोमीटर आगे मुझे फिर दिख रहा है कैमरा। शुरू में तो मुझे हिचक लग रही थी 120 पे गाड़ी चलाने में, थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि हम कंटिन्यू चलते नहीं है ना, ऐसे हाईवे में मिलते कहाँ हैं जिस पर हम 120 चलें, और जो मिलते भी हैं उस पर भी 100 किलोमीटर। मगर अब आराम से 120 मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें नॉन स्टॉप गाड़ी नहीं चला सकते क्योंकि हर 400 किलोमीटर पर गाड़ी को रेस्ट चाहिए चाहिए जिनमें टर्बो लगा हुआ है। तो जिन गाड़ियों में टर्बो लगा हुआ है उनको हर 300 से 400 किलोमीटर पर रेस्ट चाहिए होता है दोस्तों, क्योंकि टर्बो को ठंडा करने के लिए कोई भी लिक्विड नहीं होता इंजन में, सिर्फ ऑयल चलता है स्मूथ चलाने के लिए। टर्बो फेल हो गया तो गाड़ी का इंजन फेल हो जाएगा, तो हर 300 से 400 किलोमीटर पे आपको रेस्ट देना पड़ेगा 20 से 25 मिनट का। तो दोस्तों पूरे 53 मिनट हो चुके हैं हमें इस पे चलते हुए, और हमने 100 किलोमीटर पूरे कवर कर लिए हैं 53 मिनट में, क्योंकि 120 की स्पीड पे चल रहे हैं तो जल्दी से कवर होंगे होंगे। तो 53 मिनट में हमने 100 किलोमीटर कवर किए हैं, और अलवर वाला कट आ गया और भरतपुर वाला, ये देखिए लेफ्ट साइड में ठीक 100 किलोमीटर बाद रेस्ट रूम आया है इसमें, जहाँ पे आप रुक के चाय पानी कॉफ़ी वगैरह सब चीज़ ले सकते हैं। ये ओपन है और ओपन है, रनिंग में है ये, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे किसी ने कहा था मुझे तो कि अभी कुछ चीज़ें इसमें रनिंग में नहीं है। तो ये रेस्ट रूम वगैरह जो आए हैं, होटल रेस्टोरेंट आए हैं, सब ये रनिंग में है, पेट्रोल पम्प रनिंग में है। तो दोस्तों दिल्ली से ठीक 102 किलोमीटर बाद ये अलवर का कट आया है, यहाँ से लेफ्ट हो जाएँ तो हम अलवर के लिए चले जाएँगे। तो 4 किलोमीटर के करीब गाड़ी चल गई है और अभी हमें 1 घंटा नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं हम नेक्स्ट लेवल पे गाड़ी चला रहे हैं बिल्कुल, मतलब इस हाईवे की वजह से, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि 1 घंटा भी नहीं हुआ है और आप 100 किलोमीटर से ऊपर स्पीड कवर कर चुके हो, रास्ता कवर कर सक चुके हो। आप खुद सोच के देखिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि 1 घंटा भी नहीं हुआ और आपने 100 किलोमीटर कवर कर दिए। तो ये नया भारत का नया हाईवे है जो बन के तैयार हुआ है, और ये आपको बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस देगा। कहते हैं जर्मनी से और अमेरिका से इसकी तुलना की जा सकती है इस हाईवे की, तो मैं ना अमेरिका गया हूँ ना जर्मनी, मेरे लिए तो ये मुझे तो यही बताया कि ये बेस्ट हाईवे है। इससे पहले मैंने सुना ही था दोस्तों कि बॉम्बे पुणे एक्सप्रेस वे जो है वो काफ़ी फास्ट है, जैसा कि आप जानते ही हैं दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे भी बनके तैयार होने वाला है, जिसमें गडकरी जी कह रहे हैं कि दिल्ली से लेकर कटरा तक आपको 5 घंटे लगेंगे।
5 से 6 घंटे। तो आप उसे जम्मू मान लीजिए या श्रीनगर ही मान लीजिए। तो श्रीनगर से अगर आप चलेंगे, मैं जम्मू कहता हूँ आपको, जम्मू से अगर आप चलेंगे तो आप जम्मू से बॉम्बे 6 घंटे वो जोड़ लीजिए कटरा से, और 12 घंटे इसके, 18 घंटे में आप इजीली लग जाएंगे। अब प्रैक्टिकल देखा जाए तो आप 24 घंटे में माता वैष्णो देवी से बॉम्बे लग जाएंगे दोस्तों। 24 घंटे में तो ट्रेन भी नहीं पहुँचती। और बहुत ही सेफ हाईवे से पहुँचेंगे जब वो बन जाएगा। तो ये एक दिन की जर्नी जो भी होगी 24 घंटे की 20 घंटे की, ये बहुत ही सेफ हाईवे पे होगी। अब सेफ हाईवे, बिल्कुल फास्ट हाईवे, फास्ट हाईवे। पूरा 1 घंटा हो गया दोस्तों, 8:26 हो गए हैं, और हमने 1 घंटे में 117 किलोमीटर निकाल दिए हैं मेरी गाड़ी के हिसाब से। मगर लेफ्ट में जो आ रहा है वो 115 किलोमीटर आ रहा है, जो लगातार किलोमीटर के बोर्ड चल रहे हैं लेफ्ट में रेलिंग के ऊपर, उन पे 115.2 किलोमीटर लिखा है। तो 115 किलोमीटर ही मान लें अगर, तो हमने 1 घंटे में 115 किलोमीटर निकाले, जो मैंने आज से पहले कभी नहीं निकाले। ये तो बहुत फास्ट निकाले हैं, मतलब अगर इसी स्पीड से चलूं तो मैं दिल्ली से हरिद्वार मात्र 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो सीधा सीधा है, जैसे कहीं घूमता भी है ना रास्ता, तो गाड़ी की स्पीड कम नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो घूमता हुआ रास्ता भी 120 किलोमीटर की स्पीड से बनाया गया है। आपने कई बार देखा होगा हाईवे पे, अगर हाईवे टर्न होता है तो आपको स्पीड कम करनी होती है, तो गाड़ी मतलब बॉडी रोल लेती है। तो ये हाईवे इस तरीके से बनाया गया है, अगर हम राइट की तरफ भी मुड़ रहे हैं तो बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं आ रहा गाड़ी में, गाड़ी बिल्कुल चुपक के चल रही है। तो एक और विश्राम गृह आ रहा है, और ये लगभग लगभग आएगा दिल्ली से 125 किलोमीटर बाद, सॉरी जहाँ से एक्सप्रेस वे शुरू हुआ है उससे 125 किलोमीटर बाद, क्योंकि साइड में 124 चल रहा है और 1 किलोमीटर अभी रह गया है। विश्राम एवं सेवा क्षेत्र, तो ये आ गया आपका रेस्ट रूम। तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है और काफ़ी बड़ा बना हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर 1000-2000 गाड़ी भी रुक जाए ना, मुझे लगता है कब जाएंगे इसमें। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा बना हुआ है। तो राजगढ़ और मेवा के लिए लेफ्ट कट आ गया है, और ये जब से हम इस एक्सप्रेसवे पे चढ़े हैं वहाँ से 128 किलोमीटर बाद लेफ्ट कट आया है ये मेवा का। देखिए गाड़ी कितनी तेज जा रही है, मार दिया यार। कुछ पक्षी बैठे हुए थे उसमें ये चल गई, वो मर गए। तो देखिए कितना तेज गई है, तो ये मिसयूज ना करो भैया, 120 पर तो मैं ही चल रहा हूँ, अपना लिमिट में ही चलो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यही दिक्कत है थोड़ा हमारे यहाँ कि हम लोग ओवर स्पीड हो जाते हैं जब कोई हाईवे मिल जाता है, हमारे अंदर का माइकल शूमाकर जाग जाता है, जो गलत है। थर्ड रेस्ट रूम आया है, और दिल्ली और ये इस एक्सप्रेस वे चढ़ने के ठीक 148 किलोमीटर बाद आया है, मगर ये तैयार नहीं है फिलहाल। आप देख सकते हैं ये तैयार नहीं है। तो ये थर्ड रेस्ट रूम था, 148 किलोमीटर बाद था ये। तो 153 किलोमीटर हमने निकाल लिए हैं, और टाइम अगर मैं बताऊँ आपको कितना हुआ है, 1 घंटा 17 मिनट में हमने लगभग लगभग 153 किलोमीटर निकाल लिए, क्योंकि अब गाड़ी लगातार 120 पे चल रही है काफ़ी टाइम से। और 99 किलोमीटर रह गया दोस्तों जयपुर यहाँ से। अब कितना एरिया 99 में से इस एक्सप्रेसवे का है और बाकी कितना एरिया नॉर्मल रोड का है वो मैं आपको बता दूंगा। जब से इस एक्सप्रेसवे को लिया है उससे 172 किलोमीटर बाद ये फोर्थ नंबर का रेस्ट रूम आया है, और यहाँ पे पेट्रोल डीजल का पंप भी है जो एक्टिव है, और रेस्ट रूम भी एक्टिव है। ये 172 किलोमीटर बाद आया है,
जब से हम इस हाईवे पर चढ़े तब से, और पेट्रोल पंप भी है ना। मेरे कई भाई पूछ रहे थे पेट्रोल पंप वगैरह की जानकारी जरूर देना, तो ये तीसरे नंबर का पेट्रोल पंप आया है, पहला 60 पे आया था, दूसरा 120 पे और तीसरा 173-172 किलोमीटर पे आया है। हाँ, सीएनजी का इस पे मुझे कोई पंप नज़र नहीं आया फिलहाल जिस पे लिखा हो कि सीएनजी भी अवेलेबल है। फाइनली दोस्तों वो कट आ गया है जहाँ से जयपुर के लिए हमें लेफ्ट होना पड़ेगा, और मुझे लगता है अब हम ये हाईवे छोड़ेंगे तो जयपुर और आगरा के लिए आगे से लेफ्ट आ रहा है। और अभी भी तो जयपुर की दूरी है वो लगभग लगभग 75 किलोमीटर है, तो आगरा के लिए यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे हम। मेहंदीपुर बालाजी दोस्तों यहाँ से मुश्किल से 20 किलोमीटर ही होगा, तो मेहंदीपुर बालाजी के लिए भी यहीं से लेफ्ट होंगे हम आगरा वाले कट से, और जयपुर के लिए आगे से कट होगा। तो जयपुर के लिए दोस्तों यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे हम, तो मैं बताता हूँ आपको यहाँ तक हमें कितना समय लगा। 180 किलोमीटर हम इस पर चले हैं, और दिल्ली से अगर मैं टोटल बताऊँ अभी यहाँ तक आपको, लगभग लगभग दिल्ली से आ गए हम 220 किलोमीटर दोस्तों धोला कुआं से। तो जयपुर यहाँ से अभी 75 किलोमीटर दिखा रहा है, तो आपका 295 किलोमीटर जयपुर आपको 295 किलोमीटर और एक घंटा आपको यहाँ से और लगेगा। यहाँ तक पहुँचने में जो हमें समय लगा है वो बता देता हूँ मैं आपको, 2 घंटा 15 मिनट लगे हैं और एक घंटा और जोड़ लो तो लगभग लगभग 3.5 घंटे में ही आप जयपुर पहुँच पाओगे। हमने ये 181 किलोमीटर दोस्तों निकाले हैं लगभग लगभग 1 घंटा 35 मिनट में। तो 182 किलोमीटर का सफ़र हमने इसमें 1 घंटा 35 मिनट में कवर कर दिया। ये देखिए ऐसे साइड में रेलिंग में लगा हुआ है, और आगे कहाँ तक जा रहा है ये कंफर्म नहीं है फिलहाल, तो हम लौट जाएंगे अब यहीं से। जयपुर अभी भी यहाँ से 70 से 75 किलोमीटर दूर है दोस्तों, और मेहंदीपुर बालाजी भी हम जहाँ से जा सकते हैं जो यहाँ से है लगभग लगभग 20-22 किलोमीटर। तो ये कट है जयपुर का, तो मकसद यही था कि इसे कवर करने में कितना टाइम लगा, तो 1.5 घंटे में 1 घंटा 35 मिनट में हमने निकाल दिए 182 किलोमीटर। और ये कुछ नज़ारा है यहाँ का, अभी आगे कहाँ तक एक्टिव है अभी ये कंफर्म नहीं है। तो दिल्ली से लेकर धोला कुआं से यहाँ तक हमें लगे लगभग लगभग 2 घंटा 15 मिनट, और यहाँ से 1 घंटा जयपुर का और मान लें तो लगभग लगभग 3.5 घंटे में हम जयपुर पहुँच जाएंगे दोस्तों यहाँ से। तो देखते हैं एक बार नीचे, गाड़ी को यू टर्न लेके आते हैं फिर आपको बताते हैं। देखिए आप लिखा हुआ जयपुर लेफ्ट, तो एक बार देखते हैं नीचे पता करते हैं आगे कहाँ तक रोड जा रहा है, और डोसा के लिए भी दोस्तों यहीं से लेफ्ट होना है हमें। भैया आगे तक कहां तक जा रहा रोड? ये लालसोट तक। वो कितने किलोमीटर है? 35 किलोमीटर। लालसोट तक ऊपर हो गया, और डोसा के लिए यही कट है। डोसा के लिए। अच्छा, तो दोस्तों जो आगे रास्ता था वो लाल सोट तक जा रहा है और 35 किलोमीटर और आगे तक एक्टिव है फिलहाल ये रोड, और उसके बाद हम दिल्ली मुंबई जो हाईवे है उससे भी लिंक कर सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पे अब समाप्त करूंगा, मैं जयपुर नहीं जाऊंगा। जयपुर की दूरी यहाँ से 75 किलोमीटर है, इसे तय करने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा, और ये 4-लेन हाईवे है। और अगर हम यहाँ से आगरा की तरफ चलते हैं तो मेहंदीपुर बालाजी लगभग लगभग 20 किलोमीटर है, जहाँ तक हमें पहुँचने में 15 मिनट और लगते हैं। तो दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी आप मात्र 2.5 घंटे में पहुँच जाओगे, और जयपुर आप पहुँचोगे 3.5 घंटे में। तो दोस्तों यही ब्लॉग था, जहाँ तक एक्टिव है मैंने आपको दिखा दिया ये हाईवे, अब हम दोबारा से दिल्ली की तरफ मुड़ जाएंगे। तो जहाँ तक ये एक्टिव है वहाँ तक मैंने आपको दिखा दिया फिलहाल। कितना टोल है भैया? 250 रुपये। 70 रुपये बता रहे थे यार। तो मुड़ गए दोस्तों वापसी दिल्ली के लिए, 2.25 घंटे में पहुंच गए थे हम यहाँ तक। टोल का थोड़ा कन्फ्यूजन है अभी, जिस चीज जिससे पता करा वो कह रहा है भाई कि 250 रुपये टोल कटेगा, कोई कह रहा 70 रुपये कटेगा। तो अभी भी मेरे पेटीएम वॉलेट में टोल कटने की रिसिप्ट नहीं आई है, तो कुछ कहना मुश्किल है अभी कि कितना टोल कटा है, मगर मैं नीचे लिख दूंगा।
ये कितना टोल कटा है? अब दिल्ली यहाँ से 240 है, दिल्ली से अगर आप जयपुर जाते हैं तो आपको 3.5 घंटे ही लगेंगे, और अगर आप उस वाले रास्ते से जाते हैं मॉर्निंग में निकलते हैं तो उससे भी 4 घंटे के करीब आपको 4 से 4.5 घंटे लगेंगे। यहाँ से जयपुर जाने पे आपको लगभग लगभग 50 किलोमीटर जयपुर लंबा पड़ेगा, मगर ये थोड़ा सा फास्ट है हाईवे, क्योंकि हमने 180 किलोमीटर 1.5 घंटे में निकाले हैं इसमें, 1 घंटा 35 मिनट में। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।